नमस्ते जनसेवा आयुर्दा में आप सभी का स्वागत है। मराठी भाषा आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से आए हैं, आदिलाबाद कोपारडी के गांव है, यहाँ से आए हैं, जो कि इनको कैंसर है। कैंसर जो है दांतों के अंदर। गुटखा वगैरह खाते थे क्या? हाँ, गुटखा पूड़ी जो दांत है इसके अंदर रहता है कैंसर। तो वो कैंसर के जो सिम्टम्स है उन्हें जाँच करने के लिए किसी को भेजे, बराबर है डॉक्टर? थोड़ा सिम्टम्स भेज दिए ना। हाँ। तो भेजने के बाद उन्हें उसका जो रिपोर्ट है वो आने का है, लेकिन वहाँ पे कैंसर किस ये है, अगर दांत की रहती थी तो उसको अलग परिणाम दिखाई देते थे, लेकिन दांत की प्रॉब्लम नहीं है, वो कैंसर के सिम्टम्स है। मैं 90% पूरी तरह से मैं ये कर सकता बोल सकता हूँ। और इनको जो हमारा वीडियो जो है महाराष्ट्र में जो घूम रहा है, और वो घूमना ही चाहिए क्योंकि इसका इलाज अभी फर्स्ट पाल आए हैं, पहली बार चाहिए ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही चाहिए। लेकिन इसके जैसे जो दूसरे पेशेंट है, क्या जाना किधर कैंसर का इलाज होगा क्या? उधर अपोलो है हैदराबाद में, उधर मुंबई में है, औरंगाबाद में, ये ऐसे जाते 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 समय लगा सगा समय जाता रहता है। फिर 3 प्रोसेस में आता है या 4 स्टेज पर आता है, तब क्या करना पड़ता है, ये सब जबड़ा निकाल के हाथ में देना पड़ता है। तो बोलना भी नहीं आता, गाल भी फाड़ना, ऑपरेशन करना, जिंदगी भर मरने की राय देखना पड़ता है। लेकिन मेरे पास जो है तुमको जिंदा रखने की राय है, मेरे पास बाद में कैंसर नहीं आने वाला, लेकिन तुम्हारे दम ये होना चाहिए कि पेमेंट पगार पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो दवा है मेरी बहुत महंगी है दवा, क्योंकि भारत देश की दवा नहीं है अपने पास, वर्ल्ड रिकॉर्ड की दवा है। जैसे कि यह कैंसर का इलाज अभी ऐसा है, नैसर्गिक तौर पर जैसे आया कैंसर उसी तौर पर उसका कम होना है, ये अपनी इलाज दे रही है। क्या दे रहे हैं, ये सोचने की एक तमन्ना है, जो सोचता है उसको समझ में आता है, जो बिंडो है उसे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये कैसा है, कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स लोग ये कर दिए, अरे कैंसर का इलाज बोले तो ऑपरेशन करना है, निकालना पड़ता है, गड्ढा निकालना पड़ता है। हाँ निकालना पड़ता है भाई, 4 स्टेज का निकालना पड़ता, मैं भी बोल रहा हूँ ना। अरे तेरा दांत निकालने के वास्ते आया तो तुझे दांत निकालना पड़ता, तेरी आँख सौ टके गई तो नाक का ऑपरेशन करना पड़ता। मैं भी नहीं, मेरे देश में इसमें कोई नहीं इलाज उसका करने वाला है, लेकिन 80% अगर कैंसर है या दांत की जो दान जान है तो दांत हमें बचाने का ही मैं बोल सकता हूँ। आँखों का 90% 80% भी आँखें में जो जान है समझो, 10% है समझो, वो भी ऑपरेशन रोकने का मैं मेरे हाँ दवा में पावर है। लेकिन कैसे है क्या, इधर इस्लापुर में बैठा बोले तो, खेड़े में बैठा बोले तो कुछ माइंडेड है कि नहीं, कि ऐसे लोगों में जो मंशा चालू है, जो विचारशीलता चालू है वो दुर्लभ है, क्योंकि आदमी कहीं पे भी बैठना उसका माइंड सकस और अच्छी तरह से ज्ञानी होना चाहिए, यही रुतबा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं यहाँ खेड़े में बैठा हो, लेकिन मेरी औषधि में जो पावर है वो तुम्हें जब पेशेंट बोलेगा तभी पता चलेगा, अन्यथा कुछ भी अपने दिमाग से विचलित मत हो। एक बार आओ, रिपोर्ट लेके आओ, बात करो, जब आओगे तभी आपको मेरा दवाखाना दिखेगा और भगवान दिखेगा, जो मंदिर में जाते तभी भगवान दिखेगा। अब ये बच्चे आए ना तो हाँ। ये पता रियलिटी हो रहा, अभी यूट्यूब पर देखिए हाँ। अभी रियलिटी राइटी छोड़ा कि हाँ। कुछ रॉन्ग हो रहा नहीं, तुम गलत हो रहा, गलत नहीं। चलो बोलो अभी तुम्हारी क्या, तेलुगु में बोला, तेलुगु में बोलो, तुम बोलो कैसे आए क्या नहीं। हाँ हाँ, तो कैसे तुमको हमारा वीडियो कैसे मिला? वो यूट्यूब पे हमें रिलेशनशिप भेजे। रिलेशनशिप कहाँ पे तुम्हारे रिलेशनशिप? मुझे नांदेड़ में। हाँ ठीक है, नांदेड़ में आपको भेज दिए है कि नहीं, तभी आप मेरे पास आए। तो कैंसर इनको है कि नहीं? हाँ। तुम उसके दोस्तों की कौन सगे हो? छोटा भाई, सगा भाई है, छोटा भाई है कि नहीं? ठीक है, तुम्हारा नाम मत बोलो, खाली सरनेम बोलो, इसके साथ आए सो। पुरकी है तुम्हारा नाम। इनका अभी हम क्या करेंगे, ये कैंसर पेशेंट का जो है कि नहीं, हम तुम्हारा दोनों का भी चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हम बेइज्जती नहीं करेंगे समाज में। तो कैसा अलग होता ना, कैंसर बड़ी सिस्टम है तुम्हारी, ये होने वाला है हाँ। तो हम तुमको ये नहीं बताएंगे, खाली तुम्हारा झाक देंगे ऐसे हाँ। क्योंकि कैसा है तुम्हारी इज्जत है हाँ। तुम्हारा रुतबा है, जो औरत आ रही है हम उसकी सोच रहे, क्योंकि इसका वीडियो देखे तो क्या हो रहा, अरे इसको कैंसर आ गया, तो वो जरा मानसिकता चेंज हो रही, तो इसीलिए हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, खाली तुम्हारी आवाज़ लोगों को पब्लिक में चली जाना और लोगों को समझ में भाई ये पेशेंट यहाँ पे आए थे, इसके लिए हम वीडियो ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं? एक विश्वास आना, दूसरा उद्देश्य कुछ भी नहीं, बराबर है। हाँ तुमको बात करने आने का, जरा बोलो, हाँ बोलो, हाँ
हाँ नहीं जा रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कुछ 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 कर रहा क्या अंदर से, गट 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 हाँ नींद नहीं आता, वो जंतु ऐसे 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 करती है, करती है ऐसे ऐसे करते, वो खेती कितनी है ये क्या करे, हम क्या करते लेबर काम करते है कि नहीं, कितने दिन से प्रॉब्लम हुई, दो महीने से प्रॉब्लम है, अभी ये मिला है कि नहीं, दो महीने से ये बोले दो महीने तक क्या रह जाए, तुम एक महीना बोले इन्हें दो महीना बोलो, रियलिटी तो मुझे पता चलनी चाहिए, अगर सही नहीं बोलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा, मेरे माइंड में तुमको क्या हो रहा है वो समझ में आ जाती ना बात, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ऐसी है हमारी जो रोक टोक है, लाइव में मुलाकात है, इसमें बोले तो इसमें कुछ धोखेबाजपना करने का ये यहाँ पे जनसेवा आयुर्वेदा नहीं है, इस्लापुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, सब वर्ल्ड में मुझे जागरूक करना है, वर्ल्ड में मुझे जाने का है, इसलिए मेरा ड्रीम है सच्चाई से चलना, सच्चाई से जो हमें लोगों के मन को जितना कि अकल और रुतबा आता है ये है हमारा ध्येय। ये लोगों को वीडियो मिलने के बाद एक से लेकर लाखों तक शेयर करिए, और बीमारी कौन सी भी रहने दो, शुगर हर रोज़ की गोलियाँ खा रहे, बीपी के हर रोज़ की गोलियाँ खा रहे, खा खा के जिंदगी का चैन गमा रहे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोलियाँ भी स्टॉप हो जाएगी, शुगर भी रुक जाएगा, ये सब रुकेगा जब तक आओगे नहीं, लेकिन जब मैं पैसे लाना पड़ेगा, उधर एक रुपये की गोली है मेरे पास 50 रुपये की गोली है, मेरे पास 250 रुपये की एक दवा है, 200 रुपये की एक दवा है, वन डे का 1000 रुपये का ट्रीटमेंट ये पेशेंट लेता है एक कैंसर वाला, तो आप लगाइए 15 दिन बोले तो 15,000 सरासरी एक्टिव चलेगा, 20 दिन बोले तो 30,000 चलेगा, जितना जितना जल्दी आए उतना जल्दी कवर होता, तो जितना कम पैसा लगता, ये तुम्हारी डिमांड ये ऐसी है यहाँ पे। और तुम सालों से बीमारी अपने अंदर रख रहे, बीपी जैसी बीमारी सालों से, 10 साल 20 साल 15 साल 5 साल रुको खोल जरा, तो क्या इसका समाधान क्या रहा ये सोचो जरा, अक्कल होंगी तो, अरे तुम्हारे यहाँ पे नाइन नाइट कर लो ना बीमारी, यहाँ पे नाइन नाइट बोलो तो खत्म ही कर लो ना बीमारी, बीमारी क्यों रख रही, तो जनसेवा में आना पड़ेगा, हाँ CM रहने दो, PM रहने दो, कहाँ तक भी भेजो मेरा जनसेवा का वीडियो, इतना बोलता हो जय हिंद जय महाराष्ट्र, एक से लेकर लाखों तक शेयर करिए, देश में करिए विदेश में करिए, विदेश में भी मैं मेरी दवा भेज देता मैं अदर कंट्री को, धन्यवाद।